धीरज साहू कांग्रेस के सांसद, जिस प्रकार से एक ऐसा लुटेरा पकड़ा गया, मेरे को लगता है कि गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा। 220 करोड़ की गिनती हो चुकी है, बाकी गिनती चल रही है, और लगता है कि सीधा सीधा इस पैसा जो भ्रष्टाचारी जो गरीब लोगों का खून चूस कर जो इतना पैसा जोड़ा गया है, इसका भी सीधा सीधा हिस्सा लगता तो ऐसा है कि गांधी परिवार को भी जाता है। इसलिए उन्होंने ऐसे लुटेरों को नेता बनाया हुआ है और पाला हुआ है, और आने वाले समय के अंदर भी ऐसे लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। और मोदी जी की जो पॉलिसी है, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा, और जो लोगों का पैसा है लोगों के लिए विकास के लिए लगाया जाएगा। और लोगों ने मन बना लिया हुआ है, 3 स्टेट कांग्रेस को हराकर आने वाले चुनावों के अंदर भी ऐसे लुटेरे नहीं बख्शे जाएंगे। आने वाले समय में इनको अपनी जमीन दिख जाएगी। गरीबी की ढूंढना रोते हैं, पर गरीबों का खून चूसने वाले ये ऐसे कांग्रेसी लुटेरे हैं। आज लोगों के सामने आ चुका है, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी राहुल सोनिया गांधी के प्रेरित ये कांग्रेसी, जिन्होंने भ्रष्टाचार करने का जिंदगी भर काम किया है। जनता का पैसा जनता के पास वापिस आना चाहिए, उनके पास आना चाहिए, ये लुटेरों के घरों में नहीं रहना चाहिए। मेरा आग्रह है देश की एजेंसियों से कि एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि इन पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, और इन लुटेरों के घरों में पैसा जो दबा है वो निकाल करके जनता के हित के लिए आना चाहिए।